Hey guys and welcome back to another video. आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा. अगर आप इंटरेस्टेड हो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में और यू लाइक शूटिंग बर्ड्स, एनिमल्स, कुछ भी ऐसी चीज़ जो ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ में आती है. आई विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग्स जो है अबाउट गियर्स, कि आपको कौन सा लेंस और कौन सा कैमरा यूज़ करना चाहिए. बिकॉज आई थिंक ये सबसे पहली नेसेसिटी है कि इससे पहले आप शूट करना शुरू करो आपको एक प्रॉपर गियर और लेंस की नॉलेज होनी चाहिए. तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं लेंस की बात करूँ, सी लेंस में एक रिक्वायरमेंट जो मेरे हिसाब से है, एटलीस्ट 300mm आपके पास फोकल लेंथ होना चाहिए. बिकॉज अगर उससे नीचे की फोकल लेंथ आपके पास है तो ठीक है, आप शूट कर सकते हो, बाद में आप क्रॉप भी कर सकते हो इमेजेस, बट यू वुड लूज ऑन डिटेल्स एंड आप इतना क्लोज ऑप्टिकली सब्जेक्ट के पास नहीं जा पाओगे. बिकॉज ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ आप और बर्ड या एनिमल में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो आप उतना फिजिकली क्लोज नहीं जा पाते, आपको ऑप्टिकली क्लोज जाना पड़ता है. सो मिनिमम 300mm अगर आपके पास फोकल लेंथ है, इट हेल्प्स यू अ लॉट. सो उसके ऊपर आप 500mm, 600mm तक के भी अब लेंसेज आ रहे हैं. सो रिसेंटली आई ट्राइड द सिग्मा 6600, कैमरॉन का 150, 600 भी ट्राई किया है. सो ये कुछ लेंसेज हैं जो अंडर 1 या 1.5 लाख आपको मिल जाते हैं. उससे भी नीचे की रेंज में अगर आप आते हो, इतना बजट नहीं है, यू हैव 7300mm लेंस, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो. 55-250 भी एक गुड स्टार्टिंग पॉइंट आपके लिए हो सकता है. सो ऐसा नहीं है कि आपको यू हैव टू इन्वेस्ट इन लैक्स, आप स्टार्ट कर सकते हो एक बेसिक 7300 लेंस से भी, या उससे भी बजट में आप आते हो तो 18300 या इस तरह के लेंसेज भी आते हैं जो आपके लिए स्टार्टिंग में काफ़ी बेनिफिशियल रह सकते हैं. सो एक चीज़ हो गया फोकल लेंथ जो आपको लेंस में देखनी है. उसके बाद आप जो देखोगे वो है एपर्चर वैल्यू, कि कितना लाइट लेंस अंदर ले सकता है. अब यूजुअली जब आप जूम टेलीफोटो लेंसेज में जाओगे जिनकी फोकल लेंथ 300 या उससे ऊपर है, यू विल सी कि उसका जो एपर्चर वैल्यू है वो f5.6, 6.3 इस तरह से ज़्यादा है. बिकॉज ऑब्वियसली फोकल लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस हिसाब से एपर्चर भी थोड़ा नंबर हाई हो जाता है. बट आपको डेप्थ ऑफ फील्ड या ब्लर इफेक्ट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फोकल लेंथ इतनी ज़्यादा है कि अगर आप 5.6 या 6.3 पे भी शूट कर रहे हो, आपको अच्छा खासा ब्लर इफेक्ट मिल जाता है. तो अब अगर मैं कैमरास के बारे में बात करूँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि क्रॉप सेंसर या फुल फ्रेम, बिकॉज काफ़ी सबके अपने चॉइसेस होते हैं. यहाँ पे मैं आपको डिफरेंसेस क्लियर कर लेता हूँ सो दैट आपको बेटर रहे चूज़ करने में. सो क्रॉप सेंसर का एक बेनिफिट आपको क्या मिलता है, या इवन माइक्रो फोर थर्ड्स काफ़ी चल रहे हैं आजकल वाइल्ड लाइफ में. सो फुल फ्रेम की जो क्रॉप फैक्टर है, दैट इज़ 1. सो अगर आप फॉर एग्जांपल 300mm का लेंस फुल फ्रेम में लगाओगे, वो आपको 300mm का एंगल ऑफ व्यू देगा. वही अगर आप क्रॉप सेंसर में लगाते हो, तो डिपेंडिंग ऑन विच कैमरा यू आर यूजिंग, 1.5 या 1.6 का क्रॉप फैक्टर लग के वो 300mm का 450-500mm के बीच में आपको एंगल ऑफ व्यू मिल सकता है. वही अगर आप माइक्रो फोर थर्ड्स में जाओगे तो वो 600mm का एंगल ऑफ व्यू हो जाता है, बिकॉज उसमें 2x का क्रॉप फैक्टर होता है. सो अब ये आपको ऐसे हेल्प करेगा कि आप ऑप्टिकली और क्लोजर जा सकते हो अगर आप एक स्मॉलर सेंसर यूज़ कर रहे हो फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी. सो ये सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है. उसके बाद यू लुक फॉर FPS, फ्रेम्स पर सेकेंड कितना है कैमरा का. तो जितना ज़्यादा FPS होगा, ऑब्वियसली वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज अगर आप एक बर्ड या एनिमल को एक्शन में कैप्चर कर रहे हो, आप हाई FPS में ज़्यादा फ्रेम्स निकाल सकते हो एंड ज़्यादा बेटर चांसेस हैं कि आपको एक अच्छा शॉट मिल सकता है. तो FPS आपको देखना बहुत ज़रूरी है. और जो लास्ट चीज़ मैं मेंशन करूँगा वो है नंबर ऑफ़ फोकस पॉइंट्स. तो जितने ज़्यादा फोकस पॉइंट्स होंगे, उतना बेटर एंड एक्यूरेट फोकसिंग आपका कैमरा कर पाएगा. सो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वाइल डिसाइडिंग अ कैमरा फॉर योर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी. तो अब हम बात करते हैं कैमरा सेटिंग्स के बारे में. सबसे पहले कौन सा कैमरा मोड यूज़ करना चाहिए, दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता होगा. सो एज पर माई एक्सपीरियंस, मैं सबसे ज़्यादा शटर प्रायोरिटी में शूट करता हूँ, बिकॉज जब आप मूवमेंट या एक्शन में कैप्चर कर रहे हो वाइल्ड लाइफ को, वो मूवमेंट में है. आपको चाहिए कि आपकी शटर स्पीड इतनी हो कि ब्लर इफेक्ट ना आए या आपको फोटो शार्प चाहिए.
तो मैं यूजुअली शटर स्पीड शुरू करता हूँ 1/500 से। अगर मेरे को लगता है हल्का सा शेक आ रहा है, मैं शटर स्पीड को 1000 या इवन 2000 तक भी लेके जा सकता हूँ। सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर सब्जेक्ट, आप अपनी शटर स्पीड सेलेक्ट कर सकते हो। एंड आपका जो कैमरा है वो ISO और एपर्चर खुद से चेंज करता जा रहा है एज़ पर योर शटर स्पीड। तो आपको इतना ज़्यादा दिमाग सेटिंग्स में नहीं लगाना, आपको सीधा आपका पूरा फोकस आपके सब्जेक्ट पर रहेगा। वही अगर आप मैनुअल मोड पे यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको हर लाइटिंग के हिसाब से आपको अलग अलग सेटिंग चेंज करनी है। जब तक आप चेंज कर रहे हो आपका मूवमेंट निकल सकता है। सो आई प्रेफर शटर प्रायोरिटी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है कि कैमरा मीटरिंग मोड कौन सा यूज़ किया जाए। अगेन माई प्रेफरेंस रेंजेस फ्रॉम स्पॉट मीटर टू सेंटर वेटेड। इवेल्यूएटिव आप यहाँ पर नहीं रखोगे, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आप बर्ड्स को शूट कर रहे हो, बर्ड स्काई के आगे है और आप फ्लाइंग बर्ड को शूट कर रहे हो। इवेल्यूएटिव मीटरिंग अगर आप रखोगे वो पूरा स्काई के हिसाब से एक्सपोजर लेगा और आपका जो सब्जेक्ट है वो अंडर एक्सपोज या ओवर एक्सपोज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। तो मैं अगर सब्जेक्ट मेरा छोटा है फ्रेम में, मैं स्पॉट मीटरिंग लूँगा। अगर वो ऑलमोस्ट हाफ फ्रेम मेरा कवर कर रहा है तो मैं सेंटर वेटेड लेता हूँ। सो दिस हेल्प्स मी गेटिंग एक्यूरेट एक्सपोजर जब मैं अपना शटर प्रायोरिटी पे शूट कर रहा हूँ, तो मेरे को एडिटिंग में इतना ना एक्सपोजर के साथ एडजस्ट करना पड़े। लास्ट स्टेप अबाउट कैमरा सेटिंग्स, आप रॉ प्लस जेपेग या रॉ में शूट करना, बिकॉज अगर आप जेपेग में शूट कर रहे हो आप एडिटिंग में बहुत लिमिटेड चेंजेस कर सकते हो। रॉ में आपको काफ़ी ज़्यादा डेटा मिलता है, तो अगर आपका एक्सपोजर ऊपर नीचे भी होता है या वाइट बैलेंस, आप घर जाके एडिटिंग में उसको एडजस्ट कर सकते हो। अब अगर कुछ बेसिक टिप्स के बारे में मैं बात करूँगा, स्टडी द लाइट प्रॉपरली। लाइट सबसे इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में। अभी मैंने एक वीडियो डाला था, उस पर मेरे को काफ़ी हेट कमेंट्स आए, बट उसका मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और था। जहाँ पे मैंने 6600 सिग्मा लेंस को टेस्ट करा था, वहाँ पे मेरी बैक लाइट थी, तो जो भी सब्जेक्ट्स थे उनका सिल्वेट्स बन रहा था। तो अगर आपको वैसा कुछ इंटेंशनली चाहिए आप बैक लाइट लोगे, बट यूजुअली जब आपको सब्जेक्ट प्रॉपरली एक्सपोज चाहिए यू हैव टू मेक श्योर कि लाइट उस हिसाब से आ रही है, कि आपका सब्जेक्ट अगर ये फ्रंट है तो लाइट फ्रंट से आ रही है, या थोड़ा एंगुलर भी चल सकता है बट पीछे नहीं होनी चाहिए। सो लाइट को अच्छे से स्टडी करना है। एंड सेकेंड थिंग इज़ इफ़ पॉसिबल गेट लो ऑन द ग्राउंड, सो दैट आपको पर्स्पेक्टिव ऐसा मिले कि आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड काफ़ी नैरो हो, आपको ब्लर इफेक्ट अच्छा मिल सकता है। और लास्ट टिप जो मैं शेयर करूँगा वो है बी पेशेंट एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, बिकॉज ऐसा नहीं है आप गए, जैसे आप स्ट्रीट में शूट करते हो, आप गए आपने सब्जेक्ट सुन लिया, आपने पोर्ट्रेट्स वगैरह शूट कर लिए। वाइल्ड लाइफ में हो सकता है आपको 3-4-5-6 घंटे एक ही जगह बैठना हो एंड स्टिल उस दिन आपको वो परफेक्ट शॉट ना मिले। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक एंड ऑब्वियसली योर स्किल्स। तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आपके कुछ भी वाइल्ड लाइफ के शॉट्स हैं यू कैन शेयर विद मी ऑन इंस्टाग्राम, यहाँ पे मेरा हैंडल है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, कमेंट करके बताना एंड यू कैन हिट द लाइक बटन। एंड हम मिलते हैं आगे इसी तरह इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।